माँ को लगता है कि मेरे पास जॉब है, पर उन्हें कैसे बताऊँ कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। वो तो सिर्फ मैंने पापा की प्रेशर की वजह से ये बोल दिया कि मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, पर अगर माँ बाप को ये पता चलेगा कि मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है और मैं यूं ही इतनी दूर रह रहा हूँ आकर, तो उनको कैसा लगेगा? मैंने इतनी जगह इंटरव्यू दिए पर कहीं भी मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ निक्की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तू सही कह रहा है धर्मेंद्र, देखना तेरी तरह मुझ पर भी कोई जॉब नहीं है, मैं भी घर वालों की वजह से यहाँ पर रह रहा हूँ। लेकिन तू टेंशन मत ले, देखियो हम दोनों को ना बहुत जल्दी जॉब मिलेगी और घर वाले भी हमको समझेंगे। आई होप कि मुझे जॉब बहुत जल्दी मिल जाए। धर्मेंद्र। अरे माँ आप आइए, माँ बैठिए ना। कैसा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ पर अचानक आई, आपने मेरे को बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं। अब मेरा बेटा तो काम में इतना बिजी रहता है कि फोन तक नहीं करता, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके उसे सरप्राइज दे दूँ। कैसा है बेटा तू और काम कैसा चल रहा है? माँ मेरी जॉब एकदम बड़ी, माँ मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। आप इतनी दूर से चल के आई हैं, आप थक गए होंगे और आपको भूख भी लगी होगी, आप एक मिनट बैठिए मैं आपके लिए कुछ बना के लाता हूँ। अरे तू क्यों बनाएगा बेटा, आज से तेरी माँ आई है ना, मैं अपने हाथों से तेरे लिए बनाऊंगी खाना, ठीक है? चल तू मुझे किचन दिखा दे कहाँ पे है। हा? अरे माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप अभी आई हो और अभी आप किचन में चली जाएंगी, अच्छी बात नहीं है ये। अरे पर मुझे अच्छा लगेगा, तू चल मुझे दिखा दे किचन का, मैं बनाती हूँ तेरे लिए खाना। अरे बेटा तेल तो खत्म है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ पहले चाय बना लेती हूँ। हाँ चीनी पत्ती कौन से में है? माँ चाय पत्ती इसमें है, इसमें ब्लू वाले में। इसमें पर ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो किसी और में होगी, बता कहाँ पे है। अच्छा खाली है, सॉरी शायद इसमें होगी, ये वाला खोलिए। अच्छा इसमें? हाँ ये वाइट वाला। बेटा ये भी खाली है, क्या है ये सब? अच्छा अच्छा मेरे को याद आया, अरे वो क्या है ना राशन खत्म हो गया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं जाने ही वाला था जब तक आप आ गई। अच्छा राशन भरवाना भूल गया, चल कोई बात नहीं, चल एक मिनट मेरी बात सुन, तुझसे कुछ बात करनी है, चल बैठ। चल बेटा क्यों झूठ बोल रहा है तू? हाँ मुझे तेरे सारे दोस्तों ने बताया है कि तू यहाँ पे किस तरह से सरवाइव कर रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे पापा तुझे जॉब के लिए हमेशा ताने देते थे ना। हाँ बेटा हम ना मानते हैं हमारी गलती है, हम अपने बच्चों को जॉब के लिए इतना फोर्स करते हैं कि वो बेचारे ना अपना बचपन जी पाते हैं ढंग से, और ना उनके जो जवानी के दिन होते हैं जो उनको जीने होते हैं वो भी टेंशन में बीतते हैं उनके। बेटा मैं तो माँ हूँ ना, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता, अपना चेहरा देख कैसा हो गया है। देख तू मेरे साथ घर चल, तेरे पापा को मैं समझा लूँगी, मैं उनको बोलूँगी कि अब ये घर पे रहेगा और यहीं से जॉब ढूँढेगा, और जब जॉब लग जाए ना तब तू आ जाना, है बेटा? नहीं माँ मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर रह के जॉब ढूँढ ही लूँगा, आप परेशान मत होइए। वैसे भी पापा मुझे इतना ताना देते रहते हैं, अगर घर जाऊंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहीं पे कुछ कर लूंगा माँ, अच्छी सी जॉब कर लूंगा। मैंने देखा है कुछ माँ बाप अपने बच्चों को ना उनकी जॉब की उम्र होने से पहले या उनकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन पे जॉब का प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, उन्हें जॉब के लिए ताने देने लगते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं, और आगे चलकर बच्चा ना अकेला पड़ जाता है, वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम अपने माँ बाप से शेयर नहीं करता है, और कल को कई बच्चे तो गलत कदम भी उठा देते हैं। और बेटा अब मुझे लग रहा है कि ये सब हमारी फैमिली में हो रहा है और मैं ये सब नहीं देख सकती, कल को अगर तूने कुछ ऐसा वैसा कदम उठाया तो हम तो बेटा ज़िंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटा प्लीज़ मेरा कहना मान, तू मेरे साथ घर चल, तू घर पर रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर और साथ साथ ना जॉब भी ढूंढता रहे। ठीक है माँ मैं आपके साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ, और मैं वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा और साथ ही साथ कोई छोटी मोटी जॉब देख लूँगा जिससे मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा उससे निकाल सकूँ।
हाँ बेटा चल सामान डाल, चल चलते हैं। ठीक है माँ, मैं अभी अपना बैग पैक करके लाता हूँ और हम साथ में चलेंगे। हाँ चल।